कि प्रिय कलाम साहब, आपके जाने का दुख बहुत है मुझे, लेकिन गुस्सा भी बहुत आ रहा है। आप ये क्या सिखाकर चले गए? आपने जीवन में सिर्फ दो छुट्टियां ली। आप तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, आराम कर सकते थे, फिर एक काम की रट क्यों लगाए रहे? सबसे पहली बात, आप नेता ही क्यों बने? क्या कोई नेता पढ़ा लिखा होता है? अगर आप प्रेसिडेंट ही बने तो ये रूल क्यों नहीं बना दिया कि आपसे कोई अंगूठा छाप नेता नहीं बन सकेगा? जिस दिन नेता संसद में लड़ेंगे उनकी सैलरी काटी जाएगी और लेट आने वाले अफसरों की क्लास लगेगी। मुझे आपसे नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि आपने देश को मिसाइल ही क्यों दी? ना हमारे पास आधुनिक हथियार होते और ना ही पड़ोसी देश हमसे जलते। आप एक बैग लेकर राष्ट्रपति भवन में पहुंचे थे और एक कार्यकाल खत्म होने के बाद एक बैग लेकर निकल गए, जबकि आपसे बाद वाले ट्रकों में सामान भरकर निकले थे। एमपी में तो चपरासी के घर से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं और आप सिर्फ एक बैग लेकर निकले। ये क्या सिखा गए आप आने वाली पीढ़ी को? सादगी और शालीनता से किसका पेट भरा है साहब? लोगों को आपके जैसा सम्मान नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए। एक और बात जो आपकी मुझे बहुत गलत लगती थी कि आपने कभी प्रेसिडेंट जैसा रौब नहीं जमाया। यहाँ पार्षद बनते ही नेता ऐसे मदमस्त हाथी की तरह चलता है कि उसे आसपास वाले दिखाई नहीं देते, लेकिन आपके लिए कोई ऊंची कुर्सी ही लगा दे तो आप नाराज हो जाते थे। छोटे बड़े का भेद तो आपको समझना चाहिए था ना? अब बात करते हैं आपकी कमाई की। जितना मुझे पता है, देश के राष्ट्रपति को लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी हर महीने मिलती है और सुविधाएं अलग से। सरकार पैसे देती है खुद पर खर्च करने के लिए, ऐशो आराम और मौज मस्ती के लिए, लेकिन आपने सारी सैलरी एनजीओ को दान दे दी। यहाँ तक जब आपके घर वाले दिल्ली घूमने आए तो उन पर हुआ खर्च भी आपने अपनी सैलरी से ही दिया। एक बार हुक्म तो देते, सब कुछ फ्री में हो जाता। आज का नौजवान वैसे ही पॉलिटिक्स में नहीं आता, और अगर आप जैसे दो तीन प्रेसिडेंट और आ गए तो नौजवानों का नेतागिरी से विश्वास ही उठ जाएगा। मैंने ये भी सुना है कि आप सफलता का सारा श्रेय अपनी टीम या जूनियर्स को देते थे। अच्छा हुआ प्राइवेट कंपनी में नौकरी नहीं की, नहीं तो जल्दी निकाल दिए जाते और सब आप पर हंसते जैसे आपने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। शिकायतों की ये लिस्ट बहुत लंबी है कलाम साहब। हमें पता है आप लौट कर आओगे, लेकिन अगली बार प्लीज मेरी शिकायतों की लिस्ट याद रखना। या तो हमें अच्छाई ना सिखाना, और अगर सिखाओ तो भारत के भाग्य विधाता तुम ही बनना। आप हमेशा जियोगे हमारे दिल में कलाम।